हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बच्चों को बेसिक से बुक रीडिंग कैसे सिखा सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से, या ये कहें कि बच्चा खुद बुक रीड करेगा बिना आपके हेल्प के। ऐसा बहुत आसान है करना, बस आपको करना होगा एक काम। जैसे आप बच्चे को बचपन में अल्फ़ाबेट ए से लेकर जेड तक लर्न करवाते हैं ना, इस बार आपको लर्न करवाना है ए से लेकर जेड तक के फोनिक साउंड। अब आप सोच रहे होंगे फोनिक साउंड क्या होता है, तो इसकी मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उसे चेक जरूर कर लीजिएगा, तभी वीडियो को आगे देखिएगा। और चलिए थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं कि फोनिक साउंड क्या होता है। तो फोनिक साउंड होता है, जैसे हम लोगों को बचपन में सिखाया जाता था ना, ए फॉर एप्पल, लेकिन अब जो बच्चों को सिखाया जाता है ना, वो ऐसा सिखाया जाता है, ए ए एप्पल, ए फॉर एप्पल नहीं, ए ए एप्पल। जो हम ए बोल रहे हैं ना, यही होता है फोनिक साउंड। इसका मतलब होता है कि हिंदी में अल्फ़ाबेट के साउंड्स कैसे निकलते हैं, इसी को बोलते हैं फोनिक साउंड। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग जानते हैं कि सीखेंगे आज टू लेटर्स के फोनिक साउंड, उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि कैसे वर्ड्स को हम लोग बोल सकते हैं फोनिक साउंड की हेल्प से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे फोनिक साउंड टू लेटर, जैसे आई टी, इसको बोलते हैं, आई को ई और टी को ट। इट, ए टी, ए को बोलते हैं ए और टी को बोलते हैं ट। एट, एट, ई को बोलते हैं ए और टी को बोलते हैं ट। एट, ओ टी, ओट, U T, अट, A G को बोलते हैं, ए बोलते हैं एग। I G को बोलते हैं इग। ई जी को बोलते हैं एग। ओ जी को बोलते हैं ओग। और यू जी को बोलते हैं अग। ए एन को बोलते हैं एन। आई एन को बोलते हैं इन। ई एन को बोलते हैं इन। ओ एन को बोलते हैं ऑन। यू एन को बोलते हैं अन। ए पी को बोलते हैं एप। आई पी को बोलते हैं ई। पी को बोलते हैं एप। ओ पी को बोलते हैं ओप। और यू पी को बोलते हैं अप। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप अगर फोनिक्स ए टू जेड बच्चे को अच्छे से वेल क्लियर अगर लर्न करवा देते हैं, तो बच्चा आपका इस तरीके से टू लेटर्स को हिंदी में फोनिक साउंड्स प्रोनाउंस कर सकता है। कि छोटे बच्चों को बुक्स रीडिंग सिखाने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, तो जैसे ही आपने फोनिक्स की प्रैक्टिस बच्चे को करवा ली है ना,
तो आपको बस इतना करना है कि ये जो ए टी है ना, इसको बोलते हैं, ए को बोलते हैं ए और टी को बोलते हैं ट। एट, एट, क, ए, ट, कैट, फ, एफ को फ बोलते हैं, फ, ए, ट, फ, ए, ट, फैट, बी को ब बोलते हैं, ब, एट, ब, ए, ट, बैट, आर को र बोलते हैं, तो र, ए, ट, रैट। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ ऐड बोला, इस ए टी को ऐड बोलते हैं सिर्फ। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी ये हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस टाइप की अगली वीडियो जो चाहिए, क्योंकि आज की लिस्ट बहुत लंबी थी और वीडियो बनाते तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने पूरी की वीडियो नहीं बनाई है। अगर आपको और भी वर्ड्स चाहिए इस टाइप से तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं अगली वीडियो बना करके पार्ट टू में आपको वीडियो अपलोड कर दूँगी, आप वीडियो को चेक कर सकते हैं। हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो ना तो शेयर भी कर दीजिएगा, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा इस टाइप की और भी हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।